इस फनी क्षेत्र फनी गांव इस फनी शहर में आस पास क्षेत्र में आस्था का बड़ा सैलाब आएगा। अभी भी खबर नहीं, जो जहां जहां खड़े हैं कुछ लोग पीछे खड़े, कुछ लोग छतों पर टंगे, लो भाई साहब जान गए आप कौन के आओ, कुछ लोग आ रहे देखो जान ही रहते हो कह दिया महाराज जी हमारे नाम से फिर कटवाए, कुछ लोग जाली पे कुछ लोग पेड़ पे टंगे गए हो, कुछ लोग इस तरफ भी जो जहाँ खड़े हैं बैठे हैं भगवान बागेश्वर महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम करके सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। जाओ सबका मंगल हो, जो जो मनोकामना लेकर के आए हो जाओ पूरी हो जाओ, जाओ जिंदगी भर जय जय हो जाओ। एक बात बोले कैदो बोलो, जहाँ संत आते हैं जिस गांव में नगर में वहां सौभाग्य होता है, जहाँ संत ठहरते हैं वहां परम भाग्य होता है, लेकिन जहाँ संत जन्म लेते हैं वह सबसे बड़ा भाग्य होता है। ये भूमि कोई साधारण नहीं, आज संतों की महिमा उस धरती पर प्राचीन काल से है। देखो हनुमान जी महाराज का ही परिचय लेना हो तो लीजिए, हनुमान चालीसा में जो स्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या, साधु संत के तुम रखवारे असुर निगम नयन राम दुलारे। श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक है, राक्षसों के भक्षक है, और मेरे पारो तुम लोग भाग्यशाली हो। एक बात याद रखना, जिस नगर में संतों का जन्म होता है, जिसकी जिंदगी में संतों का आगमन होता है, उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी चल करके उनके पास आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव को जाना पड़ा, सुग्रीव जी महाराज बैठे का विश्वरूप पर्वत पर, और जम्मू कश्मीर में ये भूमि भी पूरे ब्रह्मांड में भारत का भी मुख है, भारत का मुख है। अच्छा लेकिन भारत का मुख अगर कोणी क्षेत्र जम्मू कश्मीर है तो पेट मध्य प्रदेश है, और पेट अगर मध्य प्रदेश है तो खाओगे तो हम तो भरेंगे भाई, क्योंकि पेट में ही रहते हैं। तो अगर मुख अगर जम्मू कश्मीर की कोणी क्षेत्र की ये गंगाए श्री सुग्रीव जी महाराज भगत के ऊपर बैठे, हनुमान जी इनके साथ में मंत्री के रूप में। अच्छा पर्वत पर क्यों बैठे, छिपे भाई बैठे, डर लग रहा हो किसका, भाई बाली का बाली मार न डाले, सुग्रीव बेचारे डर रहे। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी जी की खोज करते हुए चल पड़े तो नीचे पहुंचे। रामायण में वर्णन आया ऋषिमुख पर्वत निराया, ऋषिमुख पर्वत नदी आया, जैसे ही नीचे राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव ने देखा सोई भी बिहारी हो गया। हनुमान जी बोले क्या बात है, ब्लड प्रेशर क्यों तुम्हारा बढ़ रहा है। सुग्रीव जी बोले नीचे तो धनुषधारी आए, हनुमान जी बोले तो तुम्हें क्या रे कटारे, बोले कहीं तीन चला दिया तो हमारा राम नाम संत हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, चिंता मत करो। हनुमान जी बोले हम देखते हैं परिचय लेते हैं, और सुग्रीव जी बोले हमें कैसे पता लगेगा कि मारने वाला है कि बचाने वाला है। हनुमान जी बोले हम एक काम करेंगे, हम बात उनसे करेंगे, देखेंगे तुम्हारी तरफ, बार बार आंखें बंद करें खोले समझ जाना लाल बत्ती है। तो सुग्रीव जी बोले हम क्या करेंगे, हनुमान जी बोले भागो, बार बार मेरे से ऐसे आंखें करे समझ जाना खतरा ही खतरा है, प्राण तो ठीक है हड्डियां नहीं बच रहेगा। तो सुग्रीव जी बोले महाराज हमारे लोग खतरा नहीं है तो क्या उपाय है, उसका क्या उसकी क्या संकेत होंगे। हनुमान जी बोले अगर खतरा नहीं होंगे तो हम मुस्कुराए समझ जाना कोई खतरा नहीं, साफ क्लीन सिग्नल। हनुमान जी नीचे आए, हनुमान जी राम जी से परिचय करते हैं, सरकार आपकी है हो,
राम जी बोले हनुमान जी आपकी जय हो। तो हनुमान जी का जो परिचय राम जी से हो गया तो हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु हे राम, ऊपर पर्वत के ऊपर एक बीमार आदमी पड़ा और सुग्रीव कौन सी बीमारी है? डर की बीमारी है। राम जी बोले बीमार है तो हम क्या करें? हनुमान जी बोले महाराज वो बीमार है, आप भय हो डॉक्टर, आप चल के दवाई कर लो, उसका भय मिट जाए, अब भय कर लो। तो राम जी बोले भैया जो बीमार होता है वही डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर थोड़ी जाता है, बीमार आदमी कौन है कभी? हनुमान जी बोले महाराज छोटा मोटा बुखार चल जाता है तो व्यक्ति बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास चला जाता, जब कोई ज्यादा सिफर हो जाता है तो या तो एम्बुलेंस को जाना पड़ता है या डॉक्टर को चल करके जाना पड़ता है, ये ज्यादा बीमार है। तो राम जी बोले भैया हम जाएंगे कैसे? हनुमान जी बोले हमारे अनुभव पर बैठ कर। राम जी बोले हम गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले हमारा सिर पकड़ ले आप रहेंगे लोग। तो लक्ष्मण जी बोले आपका सिर पकड़ेंगे बाल पकड़ेंगे तो फिर कहीं तुम गिर गए तो दोनों तीनों चले गए। हनुमान जी बोले महाराज जब हमारे कंधों पर बैठोगे हमारा सिर पकड़ोगे तो पैर तो रखेंगे नीचे, हम आपके चरण पकड़ेंगे पकड़ लेंगे, और जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो तो कभी गिरता नहीं है। आप हनुमान जी लेकर के सुग्रीव के पास गए, मेरे पागलों हम पौड़ी के पागलों से अपने गांव वालों से यही कहना बात चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में संत होते हैं, जिनकी जिंदगी में गुरु होते हैं, जिनकी जिंदगी में महात्मा होते हैं, उन्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा को चल करके उनके पास आना पड़ता है। और पौड़ी के लोग तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास ऐसे राष्ट्रभक्त महापुरुष अवतरित हुए तुम्हारी जन्मभूमि में, ऐसे महात्मा एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनकी चेतना और जिनकी वाणी और जिनका स्वभाव आज पूरे भारत में संत योगेश्वर बालक दास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। स्वामी के लोगों आप भाग्यशाली हो और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, जितने सनातनी हिंदू यहाँ पर भागवान है तुम केवल एकत्र हो जाओ, दुनिया की कोई भी तारक सनातन को संभव बता नहीं सकती। शिवम शिवम क्या कहेंगे? हम तुमसे यही कहना चाहते स्वधर्म धर्म श्रेया पर धर्म भया रहा, मेरे पागलो अपने धर्म में मर जाना लेकिन भूल करके भी सनातन धर्म को सब छोड़ना। जम्मू कश्मीर के अलावा ये भारत पावर का नहीं रघुवर का है, जो राम का नहीं है किसी, जो राम का नहीं है किसी, जो राम का नहीं है किसी। और दूसरी बात जातियों में मत बट जाना, हम तो तुम्हें सिर्फ चलाने आए, वैसे कुछ लोग तो यहाँ पर हम देख रहे बादशाह के चक्कर में बैठे, सुनाना आएगा पर्चा बनाएगा हमारी लुटाई के बारे में बताएगा, बदली करेगी, लेकिन हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश नहीं है। कैसे बदमाश? तुम पर्चा के चक्कर में हमें चर्चा पड़ रहा है, हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी और पर्चा से बेकार व्यक्तियों का कल्याण होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से पूरे जम्मू कश्मीर का कल्याण होगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम पर बागेश्वर बाला जी की कृपा हो जाए, कौन कौन चाहता है? तुम चाहते हो तुम्हें घर जाना भटकना पड़े? आदि आदि क्या तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र है? पूछो क्या क्या? पहली सर आज से हमारे चक्कर में ना पड़ो, दूसरी सर लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करके महीने में एक बार दो महीने